हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ आने वाली है। ये अपडेट है 1/7/2023 यानी कि 1 जुलाई की अपडेट है जिसको मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर अपनी तैयारी सही से कर मतलब तैयारी कर रहे होंगे तो और सही से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये जो आने वाली वैकेंसीज है जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में भर्तियाँ आई हुई। तो पहले रजिस्ट्रार की बात की जाए तो इसमें क्या है कि वैकेंसी टोटल जीरो है। जॉइंट रजिस्ट्रार की बात की जाए तो 2 वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। और डिप्टी रजिस्ट्रार की बात की जाए तो 4 हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात की जाए तो 1 और सेक्शन ऑफिसर की 1 है। रिव्यू आरओ की बात की जाए तो मतलब रिव्यू ऑफिसर की बात की जाए तो 311, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की बात की जाए तो 100 और कंप्यूटर असिस्टेंट की बात की जाए तो 23। ये वैकेंसीज है, क्लियर। अच्छा, प्राइवेट सेक्रेटरी क्रेड की बात कैडर की बात की जाए तो इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ मतलब जॉइंट रजिस्ट्रार कम JPPS ऑनरेबल सीनियर जज इसमें 1 है और जॉइंट रजिस्ट्रार कम PS के लिए भी 1 है। और सबसे अधिक जो है प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड यानी कि PSG का टोटल 81 वैकेंसीज है और APS की है 87 पोस्टें। अच्छा, बेंच सेक्रेटरी कैडर की बात की जाए तो इसमें क्या है जो सबसे अधिक पोस्टें हैं वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम बेंच सेक्शन ग्रेड सेकंड में 22 पोस्टें हैं और बेंच सेक्रेटरी ग्रेड फर्स्ट में 144 पोस्टें हैं। अच्छा, कंप्यूटर कैडर की बात की जाए तो इसमें जो सबसे अधिक है वो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सी में है, 3 और 9। अच्छा, मिसलेनियस की बात की जाए, मिसलेनियस कैडर की बात की जाए तो सबसे अधिक जो टेलीफोन ऑपरेटर में है 7 और आरओ हिंदी में 8 पोस्टें और APS में की बात की जाए तो टोटल 29 पोस्टें हैं। जो ये टोटल ये आपका 1 जुलाई की अपडेट है और मतलब ये इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में आपको इन मतलब डिपार्टमेंट में भर्तियां देखने को मिलेगी इस बिहाफ पे। तो आप अगर आप अपनी तैयारी सही से मतलब धीरे कर रहे हैं तो सही से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और ताकि आपका इसमें जो जैसे ही भर्ती आए ताकि आपका इसमें हो जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब भी भर्तियाँ आती हैं तो ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे कोई भी अपडेट होगा वो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूँगा।